दूध और केसर, मेरी खूबसूरती का राज। मुझे अभी अभी पता चला है कि आप बटर रोगन जोश बना रहे हो। जैस्मिन सीखना चाहती है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको व्लॉग में कन्वर्ट किया जाए, है ना। तो गाइस ये लोग रोगन जोश बना रहे हैं, मतलब देखते हैं। अब तू करने ही वाली, तू बनाने वाली है? मैं सीख रही हूं ताकि अगली बार मैं बना पाऊं, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है ना, मुझे मटन बहुत पसंद है, मटन रोगन जोश। तो आप प्लीज जाके देखते बीच बीच में आ जाना, बकवास कम होना। अली इतना चलाक है ना, अली इतना चलाक है, इतना वो है, मैं आपको क्या बताऊं। इतना वो क्या होता है? अभी इसने एक ऐसी हरकत करी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तुझे पता है मैं बोल भी दूंगा फिर। देखते हैं कैसा बनता है रोगन जोश। पूरा टाइम फोन पे जो बिजी होता है बाहर जाके, हाँ के साथ हो, नहीं नहीं मम्मी के साथ पूरे टाइम बातें करते हैं। इसको बोलते हैं माँ का लाडला। इस एपिसोड का नाम होना चाहिए सद्दाम का रिश्ता। ये है फिटनेस फ्रीक बाबा जो अपनी इवनिंग वॉक करके आए हैं। अब पियेंगे नींबू और पानी। फिटनेस फ्रीक मतलब मैं होने की कोशिश कर रही हूँ। चल छुट्टी पर लेट्स सी कि मैं बाबा की एज तक कंटिन्यू कर पाऊंगी, मैं मोटिवेटेड रहूंगी या नहीं रहूंगी। मैं जब बनाऊंगी ना, मैं थोड़ा ही बनाऊंगी ताकि थोड़े से प्याज डालू जल्दी हो जाए ना। प्याज को लाल करवाना, अगर पेशेंस नहीं है तो ये करेगा। बाकी कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगी मैं बुढ़ी होकर खड़े खड़े और आप कुर्सी। ये टैलेंट की बात होती है, आप में ये टैलेंट है, आप टैलेंटेड हो, मैं नहीं हूँ। हो गए ब्राउन, ठीक है, हो गए। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू, टमाटर। टमाटर इतने मोटे मोटे मुंह में आएंगे क्योंकि ये मैश करना है ना। वाओ गाइस, इस समय जो खुशबू आ रही है ना, वो मैं आपको, काश किसी तरह मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि वीडियो से आप भी स्मेल कर सके। दूध और केसर, मेरी खूबसूरती का राज। वैसे गाइस एक नुस्खा देखो, केसर वाला दूध पीने से ऐसा बोलते हैं गोरे होते हैं, मुझे नहीं पता गोरे होते हैं या नहीं, बट केसर इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से हमारी स्किन हेल्दी होती है, सो ऑफकोर्स केसर हैज मेडिकल प्रॉपर्टीज, सो केसर इज वेरी गुड। अगर आपकी ड्राई स्किन है या विंटर्स में, इफ यू जस्ट पुट मिल्क एंड केसर ऑन योर फेस, इट्स वेरी गुड एंड इट गिव्स यू अ वेरी हेल्दी नाइस ग्लो ऑल्सो। कुकिंग के साथ साथ आपको मिल गई है मुझसे एक ब्यूटी एडवाइस। कितनी ऑसम है। शेफ सद्दाम लहसुन छील रहा है और मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं कैमरा मैन जैस्मिन भसीन के साथ, रूबी गोनी एंड सद्दाम रिपोर्टिंग फ्रॉम अली गोनीज किचन। मसाला भुन गया, उसको पीसने पीसेगी हम भी, और अब डाल रहे हैं स्टेप टू। जिस तेल में मसाला भुना, जिस पैन में, उसी ताकि थोड़ी फ्लेवरिंग एड ऑन हो जाए। डाल दिया हमने बड़ी काली इलायची, हाँ लौंग इलायची। अब जाएगा उसमें मटन। A few moments later. जो लोग सोचते कि रेड रेड कैसे होता है, लाल मिर्ची होती है, टमाटर होता है, ये कलर होता है गाइस, कलर। बहुत ही माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है। थोड़ा पानी दे, थोड़ा पानी। मटन पक गया, खुशबू और धुआं। और ये देखिए मैं भी कुछ बनाऊंगी, इसलिए मैं सैलेड बना रही हूँ, जिसका प्याज मैं सद्दाम से कटा रही हूँ, जिसका नींबू भी मैं सद्दाम से कटाऊंगी। That is my style. क्या बात है? तो जैस्मिन भसीन आपने कुछ नहीं किया। क्या तो, मैंने सीखा है, मैंने सीखा, मुझे पूरा याद है। मम्मा तो आपने रोगन जोश बना दिया है जो बहुत ही डिलीशियस। मैंने वो बनवाई, मतलब सद्दाम को बोल के, सद्दाम ने बनाई ये भी। तो पर सद्दाम को बताई मैंने ना, इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए, दिस इज हाउ यू। हां गाइस, तो अभी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं है रेड मीट, तो मैं चिकन खाऊंगा, बट ऑब्वियसली खाएगा।
थोड़ा सा तो खाऊंगा, मेरी माँ ने बनाया तो ऑब्वियसली खाऊंगा ही, नहीं मेरी मम्मी ने बनाया तो मैं तो खाऊंगा ही। A few moments later. तो जैस्मिन बसीन कैसा लगा आपको मम्मी के हाथ का बनाया हुआ जो आप सीखने गए थे, खुदा जाने आपने क्या सीखा है? बहुत टेस्टी था, बड़ा मजा आया और मैंने इतना खा लिया कि मुझे बहुत नींद आ रही है। वेरी गुड, मेरा दिल कर रहा है अली ने मुझे थोड़ा मसाज दे। ओके, ओवर टू यू बाबा, कैसा लगा बाबा आपको ये? बहुत अच्छा लगा बाबा, और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। तो बाबा जी अब आप जब तक यहाँ पर हो उसी दौरान जैस्मिन हमको बना के खिलाएगी, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मैडम बसीन हमको क्या खिलाती है। तो गाइज ये एक छोटू सा ब्लॉग था, ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि चलो बना लेते हैं, जैस्मिन जी का आइडिया था। सी यू गाइज लेटर, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। मैं आइसक्रीम कौन सी थी आइसक्रीम? ओके गाइस।